ओके चलो फिर हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज जो हमारी हिंदी भाषा अभ्यास की क्लास है, और आज की भाषा अभ्यास की क्लास में हमें क्या करना है, पेज नंबर फोर करना है, क्योंकि पेज नंबर वन स्वर था हम कर चुके हैं, है ना। जो बच्चे कल की क्लास में अगर नहीं जुड़े थे उनके लिए है, कल पेज नंबर वन हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा पेज नंबर टू था व्यंजन। पेज नंबर टू क्या है, व्यंजन, इसे भी हम कर चुके हैं अपनी क्लास में। उसके बाद हमारा पेज नंबर थ्री था चित्र को देखकर लिखे, उसको मिलाए, चित्र को मिलाए, ये पेज भी हम कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, पेज नंबर फोर है। ये फोर पेज नंबर क्या है, चित्र देखना है और हमें इसे पूरा करना है। ठीक है, चित्र देखना है और हमें इसे क्या करना है, इसके नाम को लिखना है। सो मैं अभी आपको परमिट करूंगी कि आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे, लेकिन लेकिन क्या, जिसका नाम लूंगी वही बच्चा अपने आप को अनम्यूट करेगा, ये याद रहे, जिसका मैं नाम लूंगी वही बच्चा अनम्यूट करेगा और आंसर देगा, नहीं तो फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगी, है ना, क्योंकि शोर होगा तो फिर तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना बच्चों। हाँ, और एक एक करके हम बात करेंगे तो सभी बच्चे सुन भी पाएंगे, है ना। प्लस मैंने आपको परमिशन दे दिया है, और अब मैं बोलती हूँ सुरभि कुमारी, सुरभि सिंह अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा। ओके सुरभि, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, क्या चीज का चित्र है बेटा, ख लिखा हुआ है, क्या लिखोगी, बतख, बतख, बतख। ठीक है, अब सुरभि आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। वेरी गुड सुरभि, जैसे सुरभि ने किया है वैसे देखिए, जो बच्चा बोलेगा फिर मैं उसको म्यूट करूंगी, पहले सुनो पहले। सुरभि ने, गुड मॉर्निंग मैम, एक सेकेंड, एक क्यूरी है मेरी, ये बुक में, इस बुक में है ही नहीं वो जो आप पढ़ा रही है मैम। मैम आँख का हिंदी समझ नहीं आ रहा है। हेलो मैम, आपके पास कौन सी बुक है? हेलो, भाषा अभ्यास टू, ये लिखा हुआ मैम, कक्षा दूसरी। तो मैम वो स्टैंडर्ड टू की बुक है ना, अभी स्टैंडर्ड वन के लिए क्लास चल रहा है ना, और चित्रांश तो मेरे ख्याल पहले वाला बुक निकालते हैं मैम। मैम चित्रांश, चित्रांश अभी स्टैंडर्ड टू में है ना? जी मैम। हाँ तो मैम आप स्टैंडर्ड वन की क्लास अटेंड की हुई है। ओ अच्छा अच्छा ओके मैम, वो लगता है मेरे से ही मिस कर गया। हाँ आप स्नैप होमवर्क को ये कीजिए, दोबारा से रीइंस्टॉल कर लीजिए। ओके चल रहे, तो बत्तख, जैसे अभी सुरभि ने किया वैसे ही मैं जिन बच्चों का नेम लूंगी वो बच्चे जो है अपने आप का नेम रखेंगे, अनम्यूट करके फिर बोलेंगे। ओके, अभी न्यू नेम है परिसी सिंह। के वैष्णवी, मैं जिन बच्चों का नाम, yes, ma'am. हाँ बेटा कैमरा ऑन कीजिए और बताइए मुझे कि क्या लिखा हुआ है। मटर। ओके परिशी, ओके परिशी टेल मी ये क्या है। परिशी रिप्लाई करेगी, के वैष्णवी मैं आपको वेट करवाती हूँ।
ओके परीशी लगता है मिसिंग हो गई। के वैष्णवी जस्ट टेल मी ये क्या है? मटर। अब बेटा आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ वेरी गुड, मटर लिखेंगे और बाकी बच्चे अपने आप को म्यूट रखे हैं। हाँ ओके अब आ जाइए परिश्री। अंकुर कुमार हाँ अंकुर बेटा बताइए आप ये क्या लिखा है? सड़क। सड़क वेरी गुड अंकुर। आप सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे सड़क ठीक है। अच्छा उसके बाद प्रखर कुमार यस मैम। हाँ बेटा अनम्यूट कीजिए अपने आप को बताइए ये क्या लिखा है? नयन। अच्छा कल मैंने आप सबको एक नैन और नैना पे गाना बोला था। नैन और नैना से किसको किसको आता है गाना मुझे बताएगा कोई? ओके म्यूट अपने आप को बेटा म्यूट कर लीजिए। ओके अभी हम आते हैं दूसरे पेज पर, सेकंड पेज पर आते हैं। सेकंड पेज पे हमें मिलती है आरोही कुमारी। आरोही बेटा आरोही अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए ये किस चीज का चित्र है? आप ये पिक्चर देख पा रही हैं आरोही? हाँ बेटा तो अब इसके कैसे लिखेंगे हम? कमल। थोड़ा जोर से बोलेंगे जिस भी बच्चे को मैम बोलेंगे। ओके यश कुमार अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए मुझे अगला जो ये दिख रहा है पिक्चर वो पिक्चर क्या है? ये अगली तस्वीर आपके सामने किस चीज की है जहाँ पे मैम पेंसिल रख रही हैं? यश कुमार ओके यश नहीं सुन पा रहे सर। अद्विता सिन्हा मुझे बताइए ये पिक्चर किसकी है? शाश्वत ओके अद्विता टेल मी बेटा ये क्या पिक्चर है बता सकती हो? यहाँ पे लिखा है मैम मुझसे पूछिए। अद्विता बोलिए बेटा अचकन बॉय वेरी गुड अद्विता। अचकन बेटा ये जो बुक है ना ये पुरानी बुक है और इसपे बच्चे ने लिखा है अपरन नहीं अचकन होता है अचकन अचकन। उसके बाद एक और आपके पास पिक्चर है वो मुझे बताएंगे कौन? सलोनी कुमारी। सलोनी अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। हाँ बेटा बताओ ये क्या है? ये बरगद शरबत। शरबत शरबत शरबत। उसके बाद पूछ रही है नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं और यहाँ हम बात करते हैं अपने आप को फिर म्यूट कर लीजिएगा बेटा। ओके उसके बाद अब हम आते हैं तटस्थ गर्ग नहीं सिंह। मैम मैं बोलूं कौन दिव्यांशी बोल रहे हैं? मैं बोलूं प्रखर। ये कौन बोल रहा है? मैम प्रखर। नहीं प्रखर अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रखर मेरे स्क्रीन पे नहीं है तो मैं अभी दो मिनट रुक जाइए प्रखर ठीक है। मटर मटर सरक सरक नयन नयन। प्रखर नहीं बोलेंगे।
पेरेंट्स आर्या यादव, आर्या यादव, आर्या यादव मैम बुला रहे। बेटा एक तो आप अपने आप को अनम्यूट नहीं म्यूट नहीं किए थे और आप कंटिन्यू पढ़ते जा रहे थे, इससे क्या होगा कि आप तो पढ़ रहे हो, पढ़ना तो मुझे पता है जितने बच्चे हैं वहाँ पे उन सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़ना आ रहा होगा, लेकिन अगर सारे बच्चे अपना माइक जो है वो ऑन करके पढ़ने लगेंगे तो सोचो क्लास में कितना शोर होगा और मैम का क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगा ना। फिर जब आपकी टर्न आएगी बेटा और मैम आपको बोलेंगी तो आप उस वर्ड को पढ़ेंगी, ठीक है? तो अभी आप क्या करेंगे अपने आप को ओके, उसके बाद अर्चना सिंह, अर्चना सिंह के नाम से कोई एडेड है बट ये बच्चे का नेम नहीं है अर्चना सिंह। मेरी पेरेंट्स नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग बेटा, नॉट यहाँ से बोलो बेटा, यहाँ हमने पढ़ लिया था ना शरबत, अब एक शब्द आप बोलिए, ये क्या लिखा है, ये पिक्चर किसकी है? शलगम की पिक्चर है, ये पिक्चर है शलगम की। एक एक सबसे करवा रहे बेटा, हमें तो अभी जो सिलेबस है ना हमारा वो स्लो स्लो है ना, क्योंकि ये तो यूकेजी का रिवीजन वर्क चल रहा है, ठीक है? तो ये शलगम। अच्छा आई है, मैंने को एक मैसेज मिला है, वीडियो नहीं आ रहा है। परिशी, परिशी ऐसा करो अपना स्क्रीन आगे पीछे करो। हाँ वीडियो, परिशी का तो वीडियो आ रहा है मेरे पास। करेक्ट विथ अथर्व मिश्रा, ही इज गेटिंग डिस्टर्ब। अथर्व मिश्रा व्हाट्स योर प्रॉब्लम विथ यू? अथर्व मिश्रा अथर्व मिश्रा आपने मैसेज किया है, प्लीज सो इनकरेक्ट विथ अथर्व मिश्रा, वो इंटरेक्ट विथ अथर्व मिश्रा। ये पेरेंट्स इज माय रिक्वेस्ट। मैम मेरे से कभी पूछ, अथर अथर बेटा लगता है डिस्कनेक्ट हो गया अथर्व। ओके आदर्श पांडा, आदर्श पांडा बेटा अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क रिप्लाई मी, ये पिक्चर किस चीज की है? आदर्श पांडा भी लगता है मुझे नहीं सुन पा रहा है। ओके स्पर्शिता, स्पर्शिता रॉय टेल मी ये पिक्चर किसकी है? ओके अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो ना। स्पर्शिता मैम, परीक्षा पूरी फर्स्ट। हाँ सर मिस्टर टेल मी व्हाट इज दिस, ये पिक्चर किस चीज की है? माइक बंद रखो परीक्षा बेटा। यस मैम। अथर्व टेल मी पिक्चर,
मैम ये बरगद का फोटो है। मैम बरगद बरगद। अच्छा अब अगला बता दे रही है मैम खुद ही। ये अगला है कलश, ठीक है, और फिर है अजगर, ठीक है। आपको क्या करना है, भाषा अभ्यास की बुक में डेट डालना है और यहाँ पर लिखना है इनके नेम, पिक्चर देख करके इनके नेम लिखने। बोलिए बेटा। मैम मैं पहले ही ये होमवर्क को चुका है, हो चुका है ना, लेकिन बेटा आज 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 ही करना है मैम, आगे आगे नहीं करना है। हो चुका है मैम, इसे बुक में लिखना है। हाँ इसे बुक में लिखना है और बुक में पेज नंबर ये 4 जो है वो बुक में कंप्लीट करना है, कॉपी में नहीं करना है। जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में लिखेंगे और चित्र भी बनाएंगे, और साथ ही जिनके पास है, जिनके पास बुक है वो बुक में करेंगे CW के साथ। अच्छा दूसरी चीज, अब जिन बच्चों ने पहले काम कर लिया है इस ओके, बट आप जो है पूरा टाइम नहीं करेंगे, जैसे कि आज का काम आज ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि आज का काम कल या परसों में पेंडिंग रखेंगे। अच्छा ये चीज देखो, ये अगला है पेज नंबर हमारा 5, ठीक है। ये आपको मैम समझा दे रही है, ठीक है, इसको कैसे करना है। ये नमक, चित्र देखकर वाक्य पूरा करें। नमक चख पर जल भर, किस पर, नल, नल पर जल भर। फिर खटमल मत पकड़, ये क्या है, खटमल, खटमल मत पकड़। थर्मस इधर रख, थर्मस इधर रख। उसके बाद है ये अचकन पहन कर चल, अचकन पहन कर चल। इस तरह से पेज नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया, पर कोई भी बच्चा पेज नंबर 6 नहीं करेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, आज हम लोग सिर्फ पेज नंबर 4 और 5 किए हैं, पेज नंबर 6 नहीं किए हैं। अच्छा एक और चीज, अभी मैं आपको एक पोयम बोलूंगी, ठीक है, और आप सभी बच्चों को वो पोयम बोलना है, और मुझे लगता है आप में से कुछ बच्चों को वो पोयम हम याद करवा चुके हैं और आपने किया भी है, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर पोयम। मैं आपको म्यूट अनम्यूट का परमिशन दे रही हूँ, बट प्लीज शोर नहीं करना, मेरे बाद ही आपको पोयम बोलना है, ठीक है। चलो रेडी, ओके, मैम सबसे पहले क्या लिखा है बता देती हूँ बेटा, पहले पोयम बोल लीजिए, पहले पोयम बोल लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। मैम पेज में सबसे पहले क्या लिखा है? हाँ ठीक है मैम, पेज 5 फिर से बोलिए ना। हाँ मैं बता देती हूँ बेटा, मैं आपको बता देती हूँ, पहले ये पोयम बोल लीजिए प्रखर, मैं बता देती हूँ बेटा, लेकिन पहले ये पोयम बोल लीजिए। चलिए, हवाओं का रुख मोड़ देंगे, ऐसे करो, ऐसे करो, मोड़ देंगे, ऐसे हाथ देंगे, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दुनिया बदल देंगे, दुनिया बदल देंगे, ये 4 लाइन का पोयम आप सब याद करेंगे, 4 लाइन का पोयम। ओके अंकुर,
अंकित आपने शायद पूछा था, अब मैं आपको आंसर कर देती हूँ। देखिए तो आज अभी एक बच्चे ने हमसे पूछा कि पहला क्या होगा, तो पेज नंबर फाइव पर पहला क्वेश्चन क्या है, नमक चक। अंकुर ने कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड अंकुर। उसके बाद दूसरा है नल पर जल, नमक ये पहला है। दूसरा है नल पर जल भर। उसके बाद है खटमल मत पकड़, ठीक है। और उसके बाद है थर्मस इधर रख, ठीक है। और उसके बाद है अचकन पहन कर चल, ठीक है, अचकन पहन कर चल, ये हो गया। और उसके बाद एक पोयम थी, वो पोयम हमारी क्या थी, हवाओं को भी बदल देंगे, बादल को भी तोड़ देंगे हम, वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो दुनिया बदल देंगे। सो ये पोयम याद करेंगे एंड से बाय बाय टू मैम, बाय बाय चिल्ड्रेन। ओके से बाय एवरीबॉडी। ओके नमस्ते। नमस्ते एवरीबॉडी, ज्वाइन योर हैंड्स।